ये जो लोग है ना, ये सोच के आते हैं कि हमने कोई भी जवाब नहीं देना है, एक चीज ये। दूसरी चीज, सारे सवाल इनसे करो, जवाब हमको कोई भी सवाल अपने ऊपर नहीं लेना है। ब्लूप ब्लूप हेलो, जी जनाब, मुमिन है वेलकम आप? बैक। वेलकम बैक। पहचाना नहीं क्या? सीधा बच्चा। नहीं पहचाना, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। और आदम भाई, क्या हाल है? भाग गए थे आप उस दिन? मेरा नाम आदम नहीं है, मेरा नाम है अलहाज मौलाना हजरत अहमद अली उस्मान। मेरा नाम ये पढ़ देख। लें आप। अच्छा, योगी जी से मिल लिया था क्या आपने? ये नाम करोड़ हो गया आपका। योगी नहीं, जो योगी जी मौलाना तो हजरत और अलहाज बनाते हैं। यार आप लोगों को क्या नहीं तकलीफ नहीं क्या है कुछ भी हो यार? सकता है, कुछ भी। नहीं, कुछ तकलीफ कुछ क्या भी है हो यार सकता आप है मेरे लोगों को? यार भाई। क्या तकलीफ है आप लोगों को? इस साथी को क्या तकलीफ है यार? अच्छा भाई, एक मिनट, उस दिन तो म्यूट कर दिया था। म्यूट नहीं किया था मैंने, आपकी गेट छी हेलो, मारी थी। आज ही म्यूट करने जो की प्लानिंग है? हजरत ये वही है अलहाज क्या का जो काम होता है? क्रिश्चियनिटी पे बात किया था? हाँ, ये वही था जो बकवास कर रहा था, बाद में पर्सनल अच्छा, अटैक दे एक रहा मिनट था। एक मिनट, क्या बोला क्या बोला? आप जो उस दिन पर्सनल अटैक दे रहा क्रिश्चियनिटी पे था बात वो भाई, पर्सनल ब्लू अटैक दिया था। यार एक मिनट यार ब्लू, आप वही हो जो उस दिन क्रिश्चियनिटी पे बात कर रहे थे? हाँ ओके, आज के टॉपिक पे आप बात करना पसंद करेंगे सर? जी, देखिए अभी मैंने ज्वाइन किया फॉरन फॉरन, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर जी नहीं है, एक बार आप बता दीजिए टॉपिक क्या चल रही है। हाँ, आप वैसे आलिम लगते हैं। आप आलिम है क्या जनाब? नहीं नहीं, आलिम ऐसे मदरसे से होने नहीं लगते पढ़े मेरे हुए की हैं? गल में। जी मदरसे से नहीं पढ़े हुए आप? कभी सामने मिलेंगे तो बताया जाएगा, इंतजार करें। यार देखो, तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से है ना, तुमको गाली देके उस दिन निकाला गया था। जब देखिए हम देखिए अच्छे मेरे से बात, भाई, यार नहीं ब्लूप सुन ले पहले। साहिल, साहिल सिर्फ इस हरकत की हाँ वजह से नहीं, इसने बदतमीजी की थी। पहले इसका एक हाँ काम मैंने मिस बदतमीजी की किया थी, था, मेरे को याद आ फिर गया। दूसरा इसको, फिर दूसरा स्किप किया था, फिर तीसरी बार भी मैंने कहा था दफा हो हाँ जा साले। हाँ मैंने इसको कहा था कि मैं तो चाह रहा था कि ये डिस्कशन बहुत अच्छे से जा रही है, तुम सामने से उसका क्रिश्चियनिटी के ऊपर सवाल ले रहे हो, अच्छे से वो बात कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के वो हरकत की थी। ब्लू, लास्ट टाइम भी तुमने वो हरकत की एडम साहब के चैनल पे, आज आपके पास मौका है। अगर अच्छे से बात करना चाहते हो भाई, हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पे जबरदस्ती गाली गलौज करे या माहौल जो है ना बिगाड़े। ब्लू भाई, अगर आप अच्छे से बात करना चाहते हैं, मेहरबानी करके अच्छे से बात करें भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक मैं मेरे है? भाई इतना पूछ रहा हूँ कि मैंने एक बार भी आपको गाली दी थी उस वक्त? नहीं, दी आपने थी वो डिस्कशन में, हाँ आपने गलत बात कही थी, वो छोड़ दो अभी, वो डिस्कशन का छोड़ दो। ब्लू साहब, अभी अच्छे से बात करना ठीक चाहते हैं है, ठीक, बताएं आप टॉपिक क्या चल रही है। आप? मदरसे में पढ़े हुए एक सवाल मैंने किया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। नहीं मदरसे से नहीं पढ़ा। चलिए, अच्छा आज का टॉपिक ये है, जब मैं आपसे दो तीन सवाल करूंगा तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। सर, रोजा स्टार्ट करने का और रोजा खत्म करने का वक्त क्या है? आपकी आवाज कट रही है भाई, सर तुम लोग का इंटरनेट कटा आपकी हुआ आवाज है कट सर। रही है। अरे भाई मेरा इंटरनेट सही है। चलो ठीक है, बताएं फिर से क्या बोल रहे हैं। फिर से मैं कहता हूँ, आपके पीछे गाना बज रहा है यार, टपरी उपरी पे हो क्या? जरा दूर आऊं वहां से। नहीं, काफी दूर से आवाज आ रही है। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये किया कि रोजा स्टार्ट करने का और रोजा खत्म करने का क्या वक्त है? रोजा स्टार्ट करने का और रोजा खत्म करने का। हाँ, हेलो क्या क्राइटेरिया बताया अल्लाह जी, ने? देखिए यार मैं एक इतना चीज गाने पूछना चल रहे हैं चाहूंगा। यार, आवाज कैसे आएगी? यार तेरे एक मिनट पीछे एक क्या मिनट एक शादी विधि है क्या ब्लू भाई? अरे मेरे भाई आसपास पिंडाल लगा हुआ तो क्या करूं मैं? अरे तो वो खिड़की बंद कर लो ना भाई। भाई आवाज आ ही रही है, अब इतना हाई लाउड स्पीकर पे लगाया तो जाके बोल तो सकते नहीं ना। अच्छा बोलो, वक्त बताओ। हाँ क्या कह रहे थे कि रोजा खोलने का वक्त, यही ना कि पूछ रहे थे ना? रोजा स्टार्ट करने का और खत्म करने का वक्त क्या बताया आपके अल्लाह ने?
तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम आपने कोई लोग ना कोई हदीस सवाल से पे पढ़ी होगी। सवाल क्यों करते हो? जो सवाल किया गया उसका जवाब क्यों नहीं देते हो तुम लोग? सवाल किस नजर से पूछ रहे हैं आप, पहले ये बताएं। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, क्या ये आप सवाल सवाल किस वैलिड नजर है से क्या पूछ नहीं है? रहे हैं नहीं, एक मिनट जी? ब्लू, क्या ये सवाल मेरा वैलिड है क्या नहीं है? वैलिड है क्या नहीं है? डिपेंड्स की पूछ रहे कंटेंशन क्या है। वो इंटेंशन जो है, अच्छा वो इंटेंशन पे ये सवाल वैलिड या इनवैलिड होगा? आप देखिए, आप एक होता है कि इंटेंशन होता अच्छा है मुझे जानने वो का, ठीक है? इंटेंशन आपको तो बताओ कि ऑलरेडी, आपने आप लूप इतनी लूप इतनी लूप हाँ मेरे को बताएं। लूप रुक जाए भाई, रुक जाओ। हाँ आपने जी अभी हाँ, एक आर्गुमेंट जो दिया है कि इंटेंशन के हिसाब से सवाल वैलिड है या गलत है ये डिसाइड होगा, आपने कहा राइट। मुझे एक एग्जाम्पल देके बताओ कि ये जो मैंने सवाल किया है किस इंटेंशन से अगर मैं पूछूं तो वो सवाल इनवैलिड हो जाएगा। ये तो मैं एक एक आपसे पूछ रहा हूँ ना, एग्जाम्पल आपका इंटेंशन क्या है, तो मैं एक एग्जांपल दूं भाई। तो आप नहीं बताइए आपका बोलेगा ना इंटेंशन इसलिए, क्या है नहीं भाई। बोलेगा ये। सिर्फ सवाल करना सीखे हो या जवाब देना भी सीखे हो? दोनों ही आता है मेरे भाई, आप आपका आता इंटेंशन है क्या आप तो बताएं। या नहीं, मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे जानना है कि वक्त क्या बताया। नहीं, आपने हदीसें पढ़ी होंगी, अगर आप पहले मुसलमान रह चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगी, तो आपके लिए क्वेश्चन कोई मतलब नहीं बनता है। आपको अगर हाँ आर्गुमेंट करनी है आप हदीस सामने रखें। चल मतलब आपको नहीं पता है कि वक्त क्या है? आपको पता है कि नहीं पता, इतना अच्छा बताएं, चलिए यार, आप इतना पहले बहसबाजी मुसलमान नहीं रह चुके करते हैं। भाई, ये ले भाई, चले। इतनी बहसबाजी कौन करते बैठेगा इनके साथ? भाई सीधा सा हदीस रखे हैं, क्या है बता दें आप, रख रहा इतना हूं ज्यादा भाई, रुक चीजें जा, तो। थोड़ा रख रहा हूं, अच्छा रुक ठीक है जा। ठीक है, चलिए फिर भी नहीं बोलेगा ये, वो ये है देख ही लेते हैं, कुत्ता है यार, लास्ट टाइम साबित तो हो गया था। नहीं जाने दो एडम इन साहब भाई, लोग, अपने ये आप तो को वो आईने लोग में हैं देख कर यार बोल रहे क्या जिनको, आदम जो के सवाल करके जवाब नहीं लेते। भाई अपने ये वो लोग हैं साहिल साहब जो सवाल करके जवाब लेने की हिम्मत नहीं रखते सर, वो उस हाँ सवाल का जवाब कैसे देगा? देख लेते हैं ना, ये लो इसके देख सामने ही लें पेश देख कर लें देते हैं। देख लें देख लें आप देख लें, यहाँ पे भी साबित कर दें इस बात को। लो भाई, ये तुम्हारे सामने सूरह बकरा की सूरह नंबर दो हाँ आयत नंबर 187 आई है। जी इसमें अल्लाह कहता है, ठीक है, आप पढ़ना और शुरू खुदा ने जो चीज कीजिए। तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, इसको खुदा से तलब करो और खाओ पियो यहां तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सिया धारी से अलग नजर आने लगे, फिर रोजा रखकर रात तक जी पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में, ठीक है ये वैलिड, मतलब वो इससे हेलो, हमको मतलब नहीं है, हाँ आगे रोजा वाला पार्ट रखकर, वो नहीं पढ़ नहीं आप देता हूँ पूरा पढ़ दोबारा। दें, आप एक बार पढ़ दें। जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो तो इनसे मुबाशरत ना करो, ये खुदा की हदें हैं, इनके पास ना जाना। इसी तरह भाई खुदा आवाज अपनी कट रही है आयतें, पूरी आपकी। यार सम से ब्लू, तुम लोग का ये जो फालतू इंटरनेट कनेक्शन तुम लोग का नहीं चलता है ना, उसके वजह से डिस्कशन का मूड और खराब हो जाता है। चले बोले भाई स्क्रीन पे सामने तू पढ़ ले भाई। एक बार, आप रीड कर देना मेरे भाई। चले एक बार रीड रीड कर किया, दें, तेरे थोड़े को से सुनने नेटवर्क में नहीं आ प्रॉब्लम रहा हो तो रही मैं क्या करूं? तो मेरे भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना, आप रीड कर दें। अरे तू खुद पढ़ ले ना, तेरे स्क्रीन के सामने समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। पढ़िए आपके सामने है। मिनट जी भाई जोर से पढ़िए, कहाँ से पढ़ना है ये? पूरी आयत पढ़ लीजिए, शुरू से पढ़िए। चले हम, आप बताएं इसमें कहना क्या चाह रहे अरे पढ़ तो सही भाई, भाई। हो गया, पढ़ लिया, आप बताओ क्या नहीं कहना हमने नहीं सुना, जोर से पढ़। है। नहीं तो आपने आपने पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया, आप बात बात करें, टाइम वेस्ट होगा अच्छा इसमें। चले इसमें इसमें रोजा स्टार्ट करने का वक्त क्या बताया है अल्लाह ने, हाँ, तो वही क्या बताया? तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आप इसे क्या समझे? क्या बताया?
अरे भाई आपने क्या समझा है इसे, आप ये बताएं। अच्छा, इसमें ये बताया है कि खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सिया धारी से अलग नजर आने लगे। हाँ ठीक है, ओके। अब ये बता भाई कि वो जगह दुनिया की जहाँ पे कई दिनों तक दिन होते हैं, कई दिनों तक रातें होती है, वहां पे आदमी रोजा कैसे रखेगा, काट कैसे करेगा, खत्म कैसे करेगा? चलो ठीक है, बस इतना ही था। हाँ जी, इतना ही था ना? हाँ इतना ही है। इस आयत का नुज़ूल वक्त क्या है बताएं? तुझे बताना है, वो मेरे से सवाल नहीं कर, मैंने ना, सवाल ना, किया उसका जवाब देना है। आपने आर्गुमेंट रखा है आप भाई, अभी आप इसका नुज़ूल, इस आयत का नुज़ूल वक्त क्या है ये बताएं आप। भाई ब्लू, मैंने एक सवाल किया, तूने पूछा ना कि यही एतराज है, मैंने अपना एतराज रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब आपने देना है, मुझे सवाल नहीं करना। सुनो सर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया, क्या कहा था वो भाई सबको पता है, बताएं आप। मुस्लिम है आप, मुसलमान रह चुके हैं बेटा, तेरे बस की बात नहीं है, चले जा। सहल, तुझे भी बार बार लोगों को परखना होता है। चुप करके बैठा हुआ था, देखा तो... मैंने कहा देखता हूँ कितनी देर बाद तेरा टेम्परामेंट लूज होता है। यानी हरामीपन की एक हद होती है, ये लोग वो हद क्रॉस कर चुके हैं, ये ऐसे डंगर लोग। ये एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, मैं बताता हूं कि ये इनका दिमाग कैसे काम करता है। ये जो लोग है ना, ये सोच के आते हैं कि हमने कोई भी जवाब नहीं देना है, एक चीज ये। दूसरी चीज, सारे सवाल इनसे करो, जवाब हमको कोई भी सवाल अपने ऊपर नहीं लेना है, सारी चीज इनसे पूछो। तीसरी चीज, अगर जवाब देना शुरू करें और जवाब देते हुए इनके सवाल का सत्यानाश हो रहा हो तो बीच में बदतमीजी कर दो ताकि जवाब पूरा ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली जवाब, ये लास्ट टाइम साबित ये हुआ था, ये बात साबित हुई थी कि मैंने जवाब देना शुरू कर दिया था, मैं कहा ओके स्टार्ट आस्किंग, मैं जवाब देता है, और जवाब देते थे, जब जवाब से इनके सवाल का सत्यानाश हो रहा होता है, उनको पता लग जाता है कि ओके गेम खराब होने लगी है, तो फिर गालियां दे दो ताकि जवाब पूरा ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हम लोग क्यों इतना भी क्यों बोलने देते हैं? एक चीज ये कि भाई बाद में जाके ये नहीं कहे कभी अपना चैनल खोल के कि देखो यार ये तो हमको अपनी बात रखने भी नहीं देते। दूसरी चीज, ये आप लोगों के लिए केस स्टडीज है कि इस तरीके के धोखेबाज, अलग अलग टाइप के धोखेबाज आपके सामने आएंगे। आपने अगर ऐसा कोई जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई देखो ये वो बेगैरत है जो आपको जवाब किसी भी हाल में नहीं देगा।